हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कुंज बिहारी। आप सभी का मेरा चैनल इलेक्ट्रिक गेयर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम बहुत दिन हो गया मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि हमारे जो घर में थोड़ा बहुत काम चल रहा था, तो इसीलिए मैं वीडियो जो है बना नहीं पा रहा था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो इस SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तो ज़रूर देखें, और मैं जितना भी पॉइंट SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में बताने जा रहा हूँ, अगर आपको पढ़ने के लिए नोट बनानी है तो पूरे नोट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहे तो डाउनलोड करके नोट बना सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी जरूर देखिए। चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। F6 यानी कि सल्फर हेक्साप्लायर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, हम जितने सर्किट ब्रेकर पढ़ चुके हैं, मान लो हम पढ़ चुके हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, मिनियचर सर्किट ब्रेकर, जितने सर्किट ब्रेकर हम पढ़ चुके हैं उनका जो फुल नेम हिसाब से हम शॉर्ट नेम उसका लिखते हैं। यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का VCB, एयर सर्किट ब्रेकर का SCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का MCB। तो ये जो सल्फर हेक्साप्लायर सर्किट ब्रेकर SFC कैसे हुआ, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सल्फर यानी कि S, हेक्सा यानी कि 6, फ्लोराइड यानी कि F, यानी कि SF6 सर्किट ब्रेकर। तो इसका जो फुल फॉर्म क्या हुआ, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, ये हो गया तो कुछ बेसिक जानकारी SFC के बारे में। अच्छा, चलते हैं सर। सर्किट ब्रेकर इन विच सल्फर हेक्साप्लोराइड गैस इज यूज इन आयर क्विंचिंग मीडियम इज नोन एज SF6 और सल्फर हेक्साप्लोराइड सर्किट ब्रेकर। यानी कि जिस सर्किट ब्रेकर में हम SF6 गैस को आयर क्विंचिंग मीडियम के हिसाब से यूज करते हैं, उसी सर्किट ब्रेकर को हम SF6 और सल्फर हेक्साप्लोराइड सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। दोस्तों, आप तस्वीर में देख सकते हैं जो सर्किट ब्रेकर है SF6, वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो अगर आप कभी भी पावर प्लांट या पावर सबस्टेशन घूमने जाते हो तो ये जो सर्किट ब्रेकर है आपको नज़र आ सकते हैं। आप ये कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख के पता सकते हैं कि ये जो सर्किट ब्रेकर है वो SF6 सर्किट ब्रेकर है। तो अब बात आती है कि जो सर्किट ब्रेकर का जो SF6 गैस है वो क्या करता है। दोस्तों, जो SF6 गैस है ना, वो हाईली इंसुलेटिंग गैस होता है। तो इसका जो इस सर्किट ब्रेकर में इस गैस का मेन रोल होता है। तो पहले तो ये जो गैस है वो हाईली इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर है, और ये जो गैस है वो कलरलेस है, यानी कि उसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता। ये नॉन टॉक्सिक गैस होता है, और ये जो गैस है नॉन इनफ्लेमेबल, यानी कि इस गैस में कभी भी आग लगने का चांस नहीं रहता है। और ये जो गैस है वो एक्सट्रीमली स्टेबल कंडीशन में रहता है। और इसका जो मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये जो SF6 गैस में वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस रहता है। यानी कि अगर इस गैस को हम आयर क्विंचिंग मीडियम के हिसाब से यूज करते हैं, तो जब हमारा आग जो है प्रोड्यूस होता है कॉन्टैक्ट सेपरेट होने के कारण, तो अगर इस गैस में इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होने के कारण वो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को आग के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है उसे ऑब्जर्व कर लेता है और नेगेटिव आयन जो है फॉर्मेशन करता है। तो इसी तरह हमारे जो सर्किट ब्रेकर में हम आर को इस तरह से क्विंच होता है SF6 सर्किट ब्रेकर में। दोस्तों, हमारा जो SF6 सर्किट ब्रेकर होता है वो मेनली दो कैटेगरी का होता है। एक हमारा डेड टैंक SF6 सर्किट ब्रेकर, दूसरा है हमारा लाइव टैंक SF6 सर्किट ब्रेकर। तो डेड टैंक जो सर्किट ब्रेकर है वो इंक्लोज रेट ग्राउंड पोटेंशियल, और लाइव टैंक जो सर्किट ब्रेकर है वो इंक्लोज रेट लाइन पोटेंशियल। यानी कि जो डेड टैंक सर्किट ब्रेकर है वो ग्रेटर शॉर्ट सर्किट करंट कैपेबिलिटी जो इसमें रहता है, ताकि इसका जो डिज़ाइन है वो ग्रेटर शॉर्ट सर्किट करंट ब्रेकिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर रहता है। और ये जो डेड टैंक जो सर्किट ब्रेकर है उसमें ज़्यादा अमाउंट में SF6 गैस जरूरत पड़ता है। तो ये जो डेड टैंक सर्किट ब्रेकर है वो जहाँ पर करंट ज़्यादा होता है, बहुत सारे अमाउंट जहाँ पर करंट ज़्यादा होता है, उसी जगह पर डेड टैंक सर्किट ब्रेकर का हम यूज़ करते हैं। तो हमारा लाइव टैंक सर्किट ब्रेकर है उसका जो डिज़ाइन है वो मॉड्यूलर, यानी कि एडवांस डिज़ाइन है, और इससे जो सर्किट ब्रेकर है वो मोर कम्पैक्ट रहता है। तो अब बात करते हैं कि SF6 सर्किट ब्रेकर में हमको कौन कौन सा पार्ट्स देखने को मिलता है। जैसे सर्किट ब्रेकर में मैं पहले बता चुका हूँ कि सर्किट ब्रेकर में इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी रहता है और मैकेनिकल पार्ट्स भी रहता है। तो SF6 सर्किट ब्रेकर में भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है और मैकेनिकल पार्ट्स भी है। तो अभी आपको बता देता हूँ कौन कौन सा जो पार्ट्स है आउटसाइड से देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इस सर्किट ब्रेकर में तो आपको तीनों वर्टिकल इंसुलेटर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये रहा तीन वर्टिकल इंसुलेटर। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रेकर पोल, यानी कि ये जो सर्किट ब्रेकर में ये जो पोल है उसी के अंदर ही हमारा जो फिक्स कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है, और उसी के अंदर ही हमारा जो आर्क जो है वो क्विंच होता है। तो उसी का बोलते हैं ब्रेकर पोल। तो ये जो तीनों पोल है वो तीनों फेज के लिए। दोस्तों, ये रहा कुछ आउटसाइड का पार्ट। नेक्स्ट होता है हमारा हॉरिजॉन्टल ब्लॉक। आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया है
तो इसी ब्लॉक के अंदर हमारा जो ब्रेकर, तीन ब्रेकर पोल है उसी के अंदर हम इसे प्लेस करते हैं दोस्तों। आप रहा, और ये इसका जो स्टैंड है जो सर्किट ब्रेकर को जमीन में गाड़ने के लिए, तो ये रहा कुछ पार्ट्स आउटसाइड का। आप तो देते हैं कि कंट्रोल सिस्टम के अंदर, कंट्रोल पैनल के अंदर कौन कौन सा जो पार्ट्स है आपको देखने को मिलेगा। तो कंट्रोल पैनल के अंदर कौन कौन सा पार्ट्स है, तो मैंने इसका जो फोटो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा पार्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी भी एक पावर प्लांट या सबस्टेशन घूमने जाते हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये कौन सा पार्ट्स है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पार्ट्स है कंट्रोल पैनल के अंदर, लोकल रिमोट सिलेक्शन स्विच, यानी कि इस सिलेक्शन स्विच के अंदर अगर हम लोकल सेट करते हैं तो सर्किट ब्रेकर के साइड से भी हम इसे ऑन कर सकते हैं, यानी कि स्विच यार्ड, जो स्विच यार्ड के अंदर हम इसे आके भी लोकली हम इसे सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हम इसे रिमोटली चूज करते हैं तो दूसरे लोकेशन से भी सर्किट ब्रेकर को हम रिमोटली ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा TNC स्विच, यानी कि ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, यानी कि अगर हम इसे ट्रिप पर सेट करके ट्रिप करते हैं तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, न्यूट्रल सेट करने पर हम न्यूट्रल के जो दूसरे लोकेशन से रिमोटली जैसे हम क्लोज करा सकते हैं, ओपन करा सकते हैं, और क्लोज स्विच करने पर सर्किट ब्रेकर जो है वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेशर गॉज। तो दोस्तों, ये सर्किट ब्रेकर के अंदर एक मीटर जैसा आपको देखने को मिलता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर गॉज। तो ये जो प्रेशर गॉज है वो क्या करता है, SFC सर्किट ब्रेकर के अंदर जो SFC गैस है वो अभी करंट जो उसका जो प्रेशर कितना है, करंट प्रेशर वो बता देता है। अगर जो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो जो सर्किट ब्रेकर है वो लो प्रेशर अलार्म भेजता है हमारे जो स्विच यार्ड के, जो स्विच यार्ड में जो कनेक्ट रहता है पैनल उसी के अंदर से जो अलार्म सेट करता है, और जो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तब भी ये जो अलार्म है वो बचता है। तो ये जो प्रेशर का जो प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम प्रेशर गज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा MCB। दोस्तों, सर्किट ब्रेकर के अंदर DC सप्लाई और AC सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम MCB लगाते रहते हैं। तो इसी सर्किट ब्रेकर के अंदर हमको DC MCB और AC के लिए MCB अलग अलग होता रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। दोस्तों, सर्किट ब्रेकर में इस ऑपरेटिंग मैकेनिज्म रहता है जिसको हम यूज़ करके हम सर्किट का जो मूविंग कॉन्टैक्ट है उससे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग रोड। दोस्तों, जो ऑपरेटिंग रोड है इस ऑपरेटिंग मैकेनिज्म साथ कनेक्ट रहता है इंटरनली, जो जिससे तरह जब हमारा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म काम करता है तो इस ऑपरेटिंग रोड के थ्रू हम मूविंग कॉन्टैक्ट को मूव कराते हैं। आठ में आता है हमारा नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग स्प्रिंग। तो ये जो क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग स्प्रिंग क्या करता है, ये जो सर्किट ब्रेकर को नेसेसरी फोर्स प्रोड्यूस करता है ताकि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो स्प्रिंग के प्रेशर की मदद से हमारा जो क्लोज रहता है और ओपन भी हो जाता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा पॉइंट बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सर्किट ब्रेकर में हमारा जो क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग स्प्रिंग रहता है उसी के अंदर कोई मेंशन नहीं रहता है कि कौन सा क्लोजिंग स्प्रिंग है कि कौन सा ट्रिपिंग स्प्रिंग है। लेकिन अभी मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कौन सा क्लोजिंग स्प्रिंग है कौन सा ट्रिपिंग स्प्रिंग है। दोस्तों, सर्किट ब्रेकर में हमारा जो कॉन्टैक्ट को क्लोज करने के लिए मोर पावर और मोर टॉर्क की जरूरत पड़ता है, तो ये जो क्लोजिंग स्प्रिंग है वो जो क्लोजिंग स्प्रिंग है वो मोटा किया जाता है ताकि उसके अंदर मोर एनर्जी स्टोर हो सके, ताकि जिसके वजह से हमारा जो क्लोजिंग स्प्रिंग है वो दो कॉन्टैक्ट को आप आसानी से क्लोज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो क्लोजिंग स्प्रिंग है, आप हमेशा देखिए सर्किट ब्रेकर में जो क्लोजिंग स्प्रिंग है वो बहुत मोटा होता है और थिकर होता है, और हमारा जो ट्रिपिंग स्प्रिंग है वो क्लोजिंग स्प्रिंग से थोड़ा पतला होता है। तो आप इस तरह से जान सकते हैं कौन सा क्लोजिंग स्प्रिंग है, यानी क्लोजिंग स्प्रिंग मतलब हमारा जो ट्रिपिंग स्प्रिंग से थोड़ा मोटा होता है, और जो हमारा ट्रिपिंग स्प्रिंग है वो क्लोजिंग स्प्रिंग से थोड़ा पतला होता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कौन सा क्लोजिंग स्प्रिंग है कौन सा ट्रिपिंग स्प्रिंग है। नेक्स्ट होता है हमारा AC मोटर एंड स्प्रिंग ऑपरेटिंग गियर बॉक्स। हमारा जो SFC सर्किट ब्रेकर के अंदर एक मोटर रहता है और उसके साथ एक गियर बॉक्स अटैच रहता है ताकि हम मोटराइज करके हमारा जो क्लोजिंग स्प्रिंग को चार्ज कर सके। दोस्तों, इसी सर्किट ब्रेकर में हमको हमारे हैंडल लगा के चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है SFC सर्किट ब्रेकर में। हम इसे केबल ही मोटर यूज करके इलेक्ट्रिकली स्प्रिंग को चार्ज कर सकते हैं थ्रू गियर बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा लिमिट स्विच। तो ये जो लिमिट स्विच क्या करता है, तो जब हमारा जो
जो है रन करता है तो उसी तरह हमारा जो स्प्रिंग जो है वो चार्ज करता है, होता रहता है मोटर रेज के थ्रू, लेकिन मोटर को नहीं पता कि हमारा जो स्प्रिंग अभी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। तो इस लिमिट स्विच को लगाने पर ये जो लिमिट स्विच है जब हम इसे सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर एक लीवर रहता है, तो जब हमारे स्प्रिंग जो चार्ज होता है वो इसे लीवर को पुश कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो लिमिट स्विच के थ्रू हमारा जो मोटर है वो बंद हो जाता है। तो इसी तरह हमारा जब हमारा स्प्रिंग चार्ज होता है इस लिमिट स्विच के थ्रू हमारा जो मोटर है वो बंद हो जाता है। तो ये रहा लिमिट स्विच। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिकेशन फ्लैग। तो इस फ्लैग के थ्रू हम पता कर सकते हैं स्प्रिंग अभी चार्ज है या डिस्चार्ज है, हमारा जो सर्किट ब्रेकर है अभी ऑन है या ऑफ है पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग कॉयल। तो ये जो कॉयल है एक इलेक्ट्रिकली काम करता है, ताकि जब हम इसे डीसी सप्लाई देते हैं इस क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग स्प्रिंग को, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है, इसी तरह इसमें प्लंजर अलाइनमेंट रहता है। जब हम इसे डीसी सप्लाई देते हैं तो अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो डीसी सप्लाई जो प्लंजर जो है वो अल्ट्राज होके हमारा जो ट्रिपिंग सिस्टम है उसे एनर्जाइज कर देता है, जिस तरह हमारा जो इलेक्ट्रिकली हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है और क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिलेट स्विच। उससे जो स्विच क्या करता है, तो इस स्विच के थ्रू हमारा जो अभी ब्रेकर का सारी जानकारी हमें मिल सकता है, ताकि क्या जानकारी देख सकते हैं, हमारा जो स्प्रिंग अभी चार्ज हुआ कि डिस्चार्ज हुआ, ब्रेकर या ऑन है या ऑफ है, हम इसे इस और अदर जानकारी हम इस ऑक्सिलेट स्विच के थ्रू हम इसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे गैस प्रेशर मॉनिटर। दोस्तों हमारा जो एसी सर्किट ब्रेकर रहता है उसके अंदर एक गैस रहता है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम गैस प्रेशर मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल ट्रिप एंड मैकेनिकली क्लोज बटन। दोस्तों इसमें अंदर एक स्विच रहता है, तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रिकली हमारा जो क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग काम नहीं करता है तो हम सर्किट ब्रेकर से मैनुअली हम मैकेनिकली ट्रिप और क्लोज पुश बटन क्लिक करके सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर सकते हैं और ट्रिप भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनल ब्लॉक। दोस्तों ये जो टर्मिनल ब्लॉक क्या करता है, सर्किट ब्रेकर में कौन कौन सा जो कनेक्ट रहता है, मोटर हमारा जो एमसीबी उसी को कनेक्ट करने के लिए सारा फीडबैक जो है हम पैनल को देने के लिए, पैनल से आने के लिए इस टर्मिनल ब्लॉक का हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये सारे पार्ट्स चलते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है अभी हम आपको सबसे। सर्किट ब्रेकर में आपको दो तरह के कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है, एक है हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, एक है हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट। तो ये जो दो कॉन्टैक्ट है वो आर्क इंटरेक्शन चैम्बर के अंदर ही रहता है, इंटरप्टर चैम्बर के अंदर ये जो दो कॉन्टैक्ट रहता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट उसी के अंदर ही रहता है। तो ये जो हमारा आर्क इंटरप्टर चैम्बर है वो एक एसेप्सिस गैस रिजर्वर यानी कि एसेप्सिस गैस टैंक के अंदर से साथ कनेक्ट रहता है, यानी कि ये जो सपोज ये हमारा इंटरप्टर है, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट। तो ये जो ये हमारा दो कॉन्टैक्ट ये हमारा इंटरप्टर, ये हमारा इंटरप्टर। तो ये जो इंटरप्टर है वो एक एसेप्सिस गैस टैंक के साथ कनेक्ट रहता है, ये हमारा एसेप्सिस टैंक, इस तरह से कुछ कनेक्ट रहता है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के थ्रू, समझिए देखिए दोस्तों वीडियो को। तो इस तरह से कुछ कनेक्ट रहता है, तो जब हमारा ये जो हमारा वाल्व मैकेनिज्म उसके अंदर एक रहता है, देखिए ये हमारा इंटरप्टर हो गया, ये हमारा एसेप्सिस गैस टैंक हो गया। तो ये जो दो कॉन्टैक्ट रहता है उसके अंदर एक वाल्व मैकेनिज्म यानी कि एक लॉक की तरह रहता है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में, एक लॉक की तरह रहता है, कुछ इस तरह से लॉक रहता है, तो इसको हम बोलते हैं वाल्व मैकेनिज्म। तो जब हमारा जो कॉन्टैक्ट ओपन होता है, तो मान लो ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट, जब हमारा सेपरेट होता है कुछ इस तरह से था पहले फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट इस तरह से था, तो जब हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट हो जाता है यहाँ पर आ जाता है, तो इस मैकेनिज्म हमारा जो उसी वक्त काम करता है, तो इस जो हमारा जो काम करता है ताकि हमारा जो जब हमारा कॉन्टैक्ट सेपरेट हो जाता है तो मैकेनिज्म काम करता है, तो इस एसेप्सिस टैंक से हाई प्रेशर से हमारा जो एसेप्सिस गैस जो है इस इंटरप्टर चैम्बर के अंदर फ्लो होता है, इस तरह से उस चैम्बर के अंदर फ्लो होता है, समझ गए आप। तो इस तरह से कुछ काम करता है। तो देखिए दोस्तों ये जो तस्वीर मैंने आपको समझाया ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये हमारा इंटरप्टर है, ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट, ये हमारा एसेप्सिस गैस इनलेट वाल्व है। तो हमारा जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है वो एक होलो सिलेंड्रिकल कॉन्टैक्ट है जो एक आर्किंग हॉर्न के साथ
कनेक्ट रहता है दोस्तों। ये जो हमारा ये हमारा आर्किंग ऑन है, ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है, इसमें इस तरह से एसएफसी गैस जो है वह फ्लो होता रहता है। तो जब हमारा जो कॉन्टैक्ट सेपरेट होता है उसके अंदर एक आर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो हमारा जो फिक्स कॉन्टैक्ट मैंने बताया एक होलो सिलेंड्रिकल कॉन्टैक्ट है जो आर्किंग होने के साथ कॉन्टैक्ट रहता है। हमारा जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो भी एक होलो सिलेंड्रिकल कॉन्टैक्ट है जिसमें रेक्टेंगुलर होल किया जाता है जिसके अंदर हमारा जो एसएफसी गैस आसानी से फ्लो हो सके। दोस्तों मैंने जब बताया हमारा जो आर्किंग हॉर्न फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, ये जो हमारा कोटिंग की है, ये जो कोटिंग मूविंग कॉन्टैक्ट में जो आर्किंग हॉर्न में जो कोटिंग है वो कॉपर टंगस्टन से कोटिंग किया जाता है जो आर्क रेजिस्टेंस मटेरियल है, ताकि ये जो हमारा आर्क रेजिस्टेंस मटेरियल है। तो इस तरह से जब हमारा आर्क जो है मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट होने पर हमारा जो आर्क जहाँ पर प्रोड्यूस होता है तब भी हमारा जो इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाता है और हाईली प्रेशर प्रेशर जो एसएफसी गैस है उस आर्क के अंदर इस तरह से कुछ फ्लो रहता है। तो मूविंग कॉन्टैक्ट रेक्टेंगुलर होल है तो ये कुछ इस तरह से होल रहता है, उसी के अंदर भी हमारा जो एसएफसी गैस है वो फ्लो होता है। तो ये जो एसएफसी गैस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस तरह से हमारा जो एसएफ सर्किट ब्रेकर के अंदर ये जो हमारा एसएफसी गैस है फ्री इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो तब भी हमारा जो आर्क जो है वो क्विंच हो जाता है। इस तरह से हमारे कुछ कंस्ट्रक्शन रहता है। तो हमारा जो एसएफसी गैस है वो बहुत कॉस्टली गैस है, तो जब हमारा आर्क जो क्विंच हो जाता है तो एसएफसी गैस को रिड्रॉन किया जाता है ताकि फिर से कभी अगर फॉल्ट आया तो इस एसएफसी गैस को दोबारा यूज हम कर सकें। तो येरा को जो इसका कंस्ट्रक्शन चलते हैं, ये कौन किस में किस तरह से ओपनिंग होता है, किस तरह से क्लोज होता है और किससे वर्क करता है, अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या होता है, दो कॉन्टैक्ट इस तरह से टॉर्च रहते हैं, ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट मूविंग होता है एक दूसरे से टॉर्च रहते हैं। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में करंट जो है आसानी से एक कॉन्टैक्ट से दूसरे कॉन्टैक्ट में आसानी से फ्लो हो जाता है। तो जब हमारा कोई फॉल्ट आता है, अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट ऑपरेट किसी भी फॉल्ट में अगर कोई फॉल्ट आता है तो करंट जो सेपरेट कॉन्टैक्ट जो सेपरेट होता है वो किस तरह होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब सर्किट ब्रेकर कंट्रोल टर्मिनल बॉक्स में जो ओपनिंग कमांड मिलता है वो तुरंत क्या करता है, हमें जो ट्रिप कॉल को सिग्नल भेज देता है। जो ट्रिप कॉल जो है वो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म से कनेक्ट रहता है, तो हमारा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म जो है हमारा जो ओपनिंग स्प्रिंग और ट्रिपिंग स्प्रिंग जो मैं बोला था, तो उसे जो इससे चार्ज होकर रखा था पहले वो क्या करता है उसका जो शॉर्ट लॉक को रिलीज कर देता है। तो जब क्या होता है जो हमारे ओपनिंग स्प्रिंग और ट्रिपिंग स्प्रिंग जो जब डिस्टर्ब हो जाता है वो क्या करता है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म से कनेक्ट रहता है। वो जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म जो हमारा जो ड्रिवन रॉड और ऑपरेटिंग रॉड मैंने बताया था जो पार्ट्स के अंदर, वो क्या करता है जो ऑपरेटिंग रॉड है वो मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट रहता है। तो जब हमारा स्प्रिंग डिस्चार्ज हो जाता है, ओपनिंग स्प्रिंग डिस्चार्ज हो जाता है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू, इस रॉड को जो हम इसे पुश हमारा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म रॉड को पुश कर देता है अपनी तरफ उससे सॉरी पुल कर देता है, ताकि हमारा जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो फिक्स कॉन्टैक्ट से सेपरेट हो जाता है। तो इसी तरह हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो जाता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। जब एक ओपनिंग कमांड मिलता है, मैं आपको बताता हूँ ओपन कमांड, तो हमें जो ट्रिप कॉइल को एक सिग्नल मिलता है, ट्रिप कॉइल जो ट्रिप कॉइल है वो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म से कनेक्ट रहता है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। तो ये ट्रिप कॉइल है उससे जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो हमारा फॉल्ट करंट आने पर इसका जो प्लंजर अरेंजमेंट है वो ओपनिंग मैकेनिज्म के साथ कनेक्ट रहता है कुछ इस तरह से, सॉरी डीसी सप्लाई देते हैं इस ट्रिप कॉइल को, इस प्लंजर के थ्रू ऑपरेटिंग मैकेनिज्म काम करता है, प्लंजर जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म काम करता है। तो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म हमारा जो ओपनिंग स्प्रिंग और ट्रिपिंग स्प्रिंग, ओपन और ट्रिपिंग स्प्रिंग जो रहता है, ट्रिपिंग स्प्रिंग का जो हमारा शॉन्ट रिलीज रहता है उससे रिलीज कर देता है। शॉन्ट जो होल्डिंग कैपेसिटी रहता है स्प्रिंग का, शॉन्ट होल्डिंग चार्ज को वो रिलीज कर देता है। तो रिलीजेस लेज होल्डिंग चार्ज। तो हमारे जो चार्ज जब हमारा स्प्रिंग डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज स्प्रिंग इस ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू ड्रिवन रॉड और ऑपरेटिंग रॉड पुल जो हमारा सर्किट ब्रेकर का जो पुल ऑपरेटिंग रॉड उसे पुल कर देता है मूविंग कॉन्टैक्ट। तो इसी तरह जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो जाता है। तो ये रहा ओपन, अभी बताता हूँ ओपन होने के बाद उसे वापस कैसे क्लोज करते हैं।
तो ये हो गया हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन। तो हमारा जो एसएफसी गैस था वो अभी क्या होगा, रिड्रॉन हो जाएगा आर क्विंचिंग होने के बाद। तो रिड्रॉन होने के बाद जब हम सर्किट ब्रेकर को फिर से क्लोज करेंगे, सबसे पहले हम इसको स्प्रिंग को चार्ज करेंगे। सबसे पहले चार्ज क्लोजिंग स्प्रिंग। तो हम इसे मोटोराइज के थ्रू चार्ज करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, रिमोटली और लोकली हम इससे क्या करेंगे, ये जो जब हम इसे फोर्स चार्ज करते हैं तो हाईली टॉर्क उसके में जनरेट होता है। तो इस टॉर्क और पावर के थ्रू मतलब दो कॉन्टैक्ट जो आपस में फिर कनेक्ट हो जाते हैं इस तरह से। स्प्रिंग चार्ज हमारे देन आता है ट्रिपिंग कॉयल और क्लोज कॉयल इलेक्ट्रिकली हम इसे कॉल कर सकते हैं और मैकेनिकली हम इसे स्विच यार्ड में जाके सर्किट ब्रेकर को क्लोज करा सकते हैं। इस तरह से हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा सर्किट ब्रेकर का वर्किंग कैसे वर्क करता है। तो आप चलते हैं इसका कौन कौन सा एडवांटेजेस है अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो एडवांटेज क्या है, एसएफसी गैस हैज एक्सलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड आर्क एक्सटिंग्विश प्रॉपरली। यानी कि इस एसएफसी गैस में हाईली इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रहता है जिसकी वजह से हमारा आर्क क्विंचिंग है वो बहुत इजीली हो जाता है। दूसरा एडवांटेज क्या है, तो गैस हैज नॉन इनफ्लेमेबल एंड केमिकली स्टेबल, यानी कि जो गैस है फ्लेमेबल नहीं है। तीन में आता है हमारा इलेक्ट्रिक क्लियरेंस इज वेरी मच रिड्यूस, यानी कि इसका जो क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा होता है। चार में आता है हमारा इट रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एंड नो कॉस्टली कंप्रेस्ड एयर सिस्टम रिक्वायर, यानी कि ये लिटिल मेंटेनेंस से चलता है और कॉस्टली कंप्रेस्ड एयर उसे जरूरत नहीं पड़ता है। पांच में आता है इट गिव्स नॉइस लेस ऑपरेशन एंड देयर इज नो ओवर वोल्टेज प्रॉब्लम बिकॉज तो आर्क इज एक्सटिंग्विश इन न्यूट्रल करंट जीरो प्रोसेस, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है क्लोजिंग और ओपनिंग प्रोसेस वो नॉइज लेस होता है और हमारा जो ओवर वोल्टेज प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं रहता है, क्योंकि ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर जो ऑपरेट होता है ओपनिंग होने पर वो करंट जीरो मेथड को ही फॉलो करता है। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, एसएफसी सर्किट ब्रेकर है कॉस्टली ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ एसएफसी, यानी कि सर्किट ब्रेकर है वो बहुत हाई अमाउंट कॉस्ट होता है क्योंकि जो एसएफसी गैस है वो उसका जो गैस है वो कॉस्टली होता है। तो इसलिए ये जो सर्किट ब्रेकर है वो बहुत कॉस्टली आता है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ एसएफसी सर्किट ब्रेकर के बारे में। दोस्तों जब हम सर्किट ब्रेकर जो क्लोज रहता है तब भी हमारे एसएफसी गैस का प्रेशर कितना रहता है, 2.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि प्रेशर का यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है जब सर्किट ब्रेकर क्लोज पोजीशन में रहता है, 2.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। नेक्स्ट रहता है हमारा जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो हाई प्रेशर से एसएफसी गैस रिजर्वर से फ्लो होता है, तो तभी उसका प्रेशर कितना होता है, 14 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो अब बात आती है कि सर्किट ब्रेकर कहाँ पर रहता है, तो मैंने सिंगल इंटरप्टर के बारे में बताया था, ताकि सिंगल इंटरप्टर का मतलब एक ही पोल रहता है एक फेज के लिए। मैं तस्वीर देख सकते हैं, ये हमारा सिंगल पोल का एसएफसी गैस सर्किट ब्रेकर है। तो ये जो सर्किट ब्रेकर है अप टू हम 60 kV से 230 kV वोल्टेज लेवल पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे हाई वोल्टेज लेवल पर यूज़ करते हैं 2400 या 765 kV वोल्टेज लेवल पर इसे यूज़ करते हैं, तभी क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। ताकि क्या करते हैं हम, तो अगर हम सिंगल इंटरप्ट इस्तेमाल करते हैं तो अब तो हम 230 वोल्टेज लेवल पर यूज़ करते हैं, अगर हम इसे ज़्यादा वोल्टेज लेवल पर यूज़ करते हैं तो इसका जो इंटरप्टर है सिंगल इंटरप्टर इसे 2 कर देते हैं और या 2 से 3 भी कर देते हैं। तो इसमें देख सकते हैं 2 और 3 इंटरप्टर चैम्बर रहता है, इसको हॉरिजॉन्टली हम इसे माउंटेड करते हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं ये हमारा 550 kV का एसएफसी सर्किट ब्रेकर है, तो इससे जो इंटरप्टर है उसे 2 कर देते हैं और 2 से बढ़ा देते हैं ताकि उसे हम हाई वोल्टेज लेवल पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सर्किट ब्रेकर में हम इसे ग्राइडिंग कैपेसिटर एक इसका जो 2 इंटरप्टर एक्रॉस में लगाते हैं ताकि हमारा जो वोल्टेज एक्रॉस रहता है 2 इंटरप्टर के अंदर वो इक्वल रहे। तो ये जो सर्किट ब्रेकर है हम इसे 765 लेवल पर इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस करके। तो नेक्स्ट रहता है हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन स्विचिंग करने के लिए जो सर्किट ब्रेकर है उससे हम PIR रजिस्टर लगाते हैं उसके एक्रॉस में। देखिए दोस्तों तस्वीर में हमको बता दिया हूँ थोड़ा बहुत सिंबल के साथ। तो ये रहा हमारा सिंगल इंटरप्टर, ये हमारा डबल इंटरप्टर और 2 इंटरप्टर जिससे हम सर्किट ब्रेकर को
दो सर्किट ब्रेकर का इंटरप्टर सीरीज में लगा के हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं और उसके एक्रॉस में कैपेसिटर लगाते हैं। जब हम ट्रांसमिशन लाइन को स्विचिंग करते हैं तो कैपेसिटर के साथ एक PIR जिसको हम बोलते हैं प्री इंसर्शन रजिस्टर PIR, तो उसी को हम PIR रजिस्टर को हम उसके एक्रॉस भी लगा देते हैं। तस्वीर देख सकते हैं, तो इसका जो रजिस्टर की रजिस्टर मिलो कितना है 300 से लेके 600 mm तक रहता है। तो ये रहा दोस्तों सारे डिटेल्स और जानकारी एस एफ सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और सारे डिटेल दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करें। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको किसी भी चैप्टर में वीडियो चाहिए तो उससे भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा सोशल मीडिया में बहुत सारे आइडिया है, डिस्क्रिप्शन जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है और किसी चैप्टर में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सी यू सून।